अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई चिकन। तो ये चिकन हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये दही हमारा है हाफ के जी, एक क्रीम का पैकेट है। बाकी ये साबुत गरम मसाले हैं, तेज़पत, दालचीनी, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, ये बादाम है जिनको हमने भिगो लिया था और इसके छिलके उतार लिए, बादाम और काजू हैं। बाकी ये दो बड़े साइज़ के प्याज थे वो इस तरह काट लिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, एक बड़ा अदरक का टुकड़ा था, 5-6 लहसुन की जमें, और ये काली मिर्ची है जिसको हमने पीस लिया है। सबसे पहले हम चिकन में मसाला लगा देंगे ताकि अच्छे से पानी निकाल ही देंगे हमने। दही के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और हाँ खट्टा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रीम की तरह है दही, ना खट्टा है ना इसके अंदर ज़रा सा भी पानी है। इस तरह मसाला लगाने से चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। नमक, हाफ टी स्पून नमक डाला है और काली मिर्च हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्चें डाली है। अभी तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको इस तरह छोड़ देंगे, फिर इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो दिखाते हैं आपको। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल दही में कोड हो गया अच्छे से। मिलते हैं आधे घंटे बाद। चिकन को तो हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, अब इसके बाद का है। इसके अंदर हमने 2 चम्मच जितना ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं। अब ये जो गरम मसाले इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। एक दो मिनट तक लहसुन अदरक डालेंगे। हरी मिर्चें भी डाल रहे हैं, कम ऑयल में करेंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 चम्मच ज्यादा नहीं। प्याज भी डाल दी, साथ ही फिर ये भी डाल देंगे। इसके अंदर नहीं डालेंगे, इसको हम इसके साथ पीसेंगे। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं काजू और बादाम। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप जितना पानी और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, ये देखें पानी भी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया। अब हम इसे पीस लेंगे। अच्छा, ये जो साबुत हमने बड़ी इलायची दालचीनी वगैरह डाली थी इसको हम निकाल देंगे, इसको नहीं पीसेंगे साथ। छोटी इलायची के बारे में लॉन्ग रहेंगे बस। अब इसको पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह जग में डाल देंगे। सारा हमने इसके अंदर डाल दिया और ये जो थोड़ा सा पानी इसके अंदर नज़र आ रहा है इसी के अंदर इसको पीस लेंगे, क्योंकि हर चीज़ तो वैसे भी नरम पड़ चुकी है, आराम से पीस जाएगा ये। चले अब हम इसे पीसते हैं। मसाला हमारा सारा हमने पीस लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। ये देखें मसाला अच्छे से बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच मक्खन की,
और साथ ही ऑयल डाल देंगे, एक कप ऑयल। अब जो हमने मसाला पीसा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अंदर हमने चमचा चलाते रहना है क्योंकि जो हमने इसके अंदर बादाम और काजू डाले हैं वो नीचे लग जाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें, बिल्कुल छोड़े ना, रख के भूले ना। सर की अभी 8-10 मिनट बनाई होगी, फिर हम इसको मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। अच्छे से भुनाई करेंगे चिकन को भी, हमारे मसाला लगे हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। इसकी भुनाई करते हुए 10 से 12 मिनट हो गए, अब इसमें चिकन डाल देंगे। मैं दही में मसाला लगा के रखा था वो चिकन इसमें डाल दिया। चिकन हमने इसमें डाल दिया है, अभी इसके अंदर पकेगा। ये क्रीम भी देखें निकाल ली है सारी, और ये हरा धनिया, लेकिन इसकी सिर्फ डंडियां डालेंगे, पत्ता कोई भी नहीं डालेंगे। इसे कर देंगे कवर, लेकिन वक्फे वक्फे से इसमें चमचा चलाते रहेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए, देखें दही ने पानी छोड़ दिया, इसी में चिकन है जो हमारा वो गल जाएगा। पानी इसका खुश्क हो गया थोड़ा सा, अब इसमें डाल रहे हैं धनिए की जो डंडियां वगैरह हैं, क्रीम डालेंगे, काली मिर्ची डालेंगे। पहले हमने इसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून डाली थी, अब टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। आधा पैकेट क्रीम, ये आधा पैकेट क्रीम का इसमें शामिल कर देंगे। क्रीम हमने इसमें डाल दी, इसको हम 2 मिनट तक दम देंगे, उसके बाद फिर इसको आपको इसका फाइनल लुक दिखा दें। फ्लेम हमने बंद कर दिया है, कढ़ाई हमारी डन है, अब इसे करते हैं फाइनल लुक डिश आउट। तो ये देखिए व्यूअर्स, फाइनली हमारी वाइट कढ़ाई तैयार है, इसका फाइनल लुक। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको हमने टेस्ट भी किया है, अच्छी बनी है, आप लोग भी ट्राई करें। वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक और कमेंट करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।